नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 6 मार्च 2022 से सेकंड शिफ्ट एमपीटेट वर्ग 3 एग्जाम एनालिसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन निकले हैं, कहां से क्वेश्चन सर्वाधिक निकले हैं और आपको हम जो पाठ संग्रह लेकर आएंगे आज 6 मार्च के फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के दोनों शिफ्ट में बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन निकले हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हमने कम से कम बाल विकास और पर्यावरण के 15-16 क्वेश्चन पर वीडियो बनाया, यदि आप देखना चाहें तो उनकी लिंक इस वीडियो के स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी। और आज के 6 मार्च के पेपर के जो क्वेश्चन निकले उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे कि कौन से क्वेश्चन निकले हैं, जो कि आज आपको शाम को रात के 9 बजे के समथिंग प्राप्त हो जाएगा। आज इस वीडियो हम टॉपिक से देखेंगे कि किस टॉपिक से कवर ज़्यादा हुए हैं और इस वीडियो में जो हमें मैथ के क्वेश्चन सर्वाधिक मिले हैं उसकी जानकारी देंगे। तो देखें, गणित में क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आज विभाजिता के सुबह की शिफ्ट में भी क्वेश्चन निकले थे जो हमने बताया था, और शाम की शिफ्ट में भी विभाजिता के क्वेश्चन निकले हैं। इसमें 2, 3, 5, 18, 26 इन विभाजिता से संबंधित क्वेश्चन निकले हैं। इसके अलावा शंकु, घन, वृत्त के क्षेत्रफल के क्वेश्चन निकले हैं, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन, भिन्न का जोड़ना, भिन्नों का जोड़, घटाना से संबंधित प्रश्न निकले हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन आपका आज के में औसत से क्वेश्चन निकले हैं, औसत से फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में दोनों में क्वेश्चन निकले हैं। इससे लगभग 3 या 4 क्वेश्चन थी, इससे लगभग आपके 2 या 3 क्वेश्चन थे। भिन्न के जोड़ से 1 या 2 क्वेश्चन बताए गए हैं, औसत से 3 या 4 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों ने जो बताए हैं। अंतरिक्ष में सुबह भी लगभग 10 क्वेश्चन थे और शाम को भी बच्चों के द्वारा बताया गया कि 4 या 6 क्वेश्चन तक अंतरिक्ष से आज निकले हैं दोबारा। तो आप कब पेपर, यदि कल है तो पेपर में अंतरिक्ष अच्छे से कवर करके जाइएगा, क्योंकि कल ही अंतरिक्ष से क्वेश्चन निकलेंगे। साथ ही साथ ग्रहों से निकले हैं, सौरमंडल से, सौरमंडल से आपके जो क्वेश्चन निकले हैं 2 या 3 क्वेश्चन निकले हैं। एक क्वेश्चन आया है व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान है, इस प्रकार क्वेश्चन निकला है। मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है, इस प्रकार के छात्रों द्वारा जिनका आज पेपर तो उन्होंने कमेंट करके बताया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, जिसका करेक्ट आंसर वाटसन था। इसके अलावा जो आपके निकले हैं हिंदी में प्रत्यय से निकले हैं और कुछ संधि है, बल्कि आज का जो हिंदी का आपका जो गद्य था वह सरल था, संस्कृत का भी गद्य सरल बताया जा रहा है। और आज आपके जो क्वेश्चन आए हैं हिंदी में वह अधिक क्वेश्चन पैराग्राफ से निकले हैं और ग्रामेटिकल क्वेश्चन कम निकले हैं। आज हमने इस वीडियो में विशेष तौर पर आपका गणित कवर किया, गणित में कम से कम हम 4, 3, 7, 2, 9 यानी कि 10 क्वेश्चन के समथिंग बता चुके हैं। इसके अलावा प्रतिशत से भी बताया जा रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन निकले हैं कल की तरह आज कल, बल्कि क्वेश्चन प्रतिशत से अधिक निकले थे। आज प्रतिशत से बताया जा रहा है कि 2 या 3 क्वेश्चन निकले हैं। और शिक्षण शास्त्र में दृश्य और श्रव्य सामग्री से क्वेश्चन निकले हैं, तार्किक क्वेश्चन निकले हैं। तो आपका शिक्षण शास्त्र तार्किक पर कल भी था और कल के फर्स्ट शिफ्ट में भी था, इसलिए आप तार्किक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कवर करिएगा। तो ये था 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। अब 6 मार्च के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें हम विशेष तौर पर पर्यावरण का आज रात के 9 बजे तक अपलोड कर देंगे और कल सुबह आपका बाल विकास का मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम इन दोनों वीडियो में मिनिमम 10, 15, 20 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट के कवर करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा जरूर। नमस्कार मित्रों।